कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी सेगमेंट। जी हाँ, कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अगर करंट टाइम में कोई कार सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, तो वो ये कार है। आज हमारे साथ है टाटा पंच क्रिएटिव मॉडल, एंड ये इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, ड्यूल टोन में आता है, हैरियर बेस इसका फ्रंट लुक आता है, एंड ये कार माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आती है। बट किसी भी, अगर आप इसकी रोड प्रेजेंस देखोगे तो किसी भी मिड साइज एसयूवी से कम इसकी रोड प्रेजेंस नहीं है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इसका क्या फीचर आपको इस वेरिएंट में मिलेंगे, क्या प्राइस पड़ेगी, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, एंड ये कार आपको लेनी चाहिए या नहीं, सब कुछ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ये जो वेरिएंट है क्रिएटिव आयरा ड्यूल टोन, ये आपको कॉस्ट करता है 8.92 लाख एक्स शोरूम। एज आई सेड गाइस, कार का फ्रंट फेशिया हैरियर बेस्ड है, एंड इस कार में आपको DRL का ऑप्शन मिलता है विद टर्न इंडिकेटर, वो हैलोजन में, और ये क्रोम फिनिश भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप आपको इस वेरिएंट में मिलता है। इसके साथ साथ इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प भी ऑफर किए जाते हैं। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे ये क्रोम फिनिश दी गई है और उसके ऊपर टाटा की बैजिंग दी गई है। इसके साथ साथ हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पे मिलेगी आपको। ट्राई एरो का डिज़ाइन आपको इसकी ग्रिल में मिलेगा, रेडिएटर ग्रिल में। ओवरऑल फ्रंट से अगर आप देखोगे तो कार काफ़ी अच्छी लगती है। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से आपको कार कुछ ऐसी लगती है। बात करें अलॉय व्हील्स की, तो इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड अगर बात करूं मैं प्रोफाइल सेक्शन की टायर के, तो इसमें आपको 195/60R16 इंच के टायर साइज आपको इसमें मिलते हैं, जो कि इस कार साइज की कार के लिए सफिशियंट है। ड्यूल टोन वेरिएंट है, तो आपको ORVM भी ड्यूल टोन में दिए गए हैं, साथ ही इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी यहीं की गई है। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएगी, बट ये जो रूफ रेल्स दी गई है ये फंक्शनल रूफ रेल्स नहीं है। बाकी साइड प्रोफाइल कार का कुछ इस तरीके से लगता है। बोलने को तो यार ये माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कार है, बट कहीं ना कहीं इसके बॉक्सी डिज़ाइन की वजह से और हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ये कार आपको कोई छोटी कार का फील नहीं देती है। बात करें बैक प्रोफाइल की, तो रेयर प्रोफाइल से कार का लुक कुछ ऐसा आता है। बाकी यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है, इस वजह से मैं बूट इसका ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। इस कार में आपको LED टेल लाइट सेटअप मिलता है, साथ ही साथ रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है, साथ ही साथ दो सेंसर मिल जाएंगे इस कार में आपको। एंड यहाँ पे पंच की बैजिंग है, कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर, रियर डिफॉगर एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी मिलता है। नॉर्मल मैनुअल एंटीना ही देखने को मिलेगा आपको इस कार में। इस कार के किसी भी वेरिएंट में आपको शार्क पिन एंटीना नहीं मिलता, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको वोकल फॉर लोकल की बैजिंग। एंड ओवरऑल कार का लुक कुछ इस तरीके से आता है रेयर प्रोफाइल से, एंड कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है यार। अगर इसके मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एक्सटीरियर से भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर कैसा है। तो जब भी आप पहले कार को ओपन करोगे तो आपको दिखेंगे इसके 90° वाइड ओपन डोर, तो भाई इसमें चढ़ना और उतरना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। बात करी जाए तो कार में ड्यूल टोन का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको विंडो बटन की प्लेसिंग एंड यहाँ पे डोर लॉक प्लस स्वीटर। सो ओवरऑल कुछ ऐसा एक्सटीरियर लगता है कार का बाहर से देखने में। अब मैं ड्राइवर साइड चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स का। स्टॉप पेरेंट है, 6-foot एडजस्टेबल सीट आती है, प्लस हाई एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। इसके साथ साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इको मोड एंड ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन आपको इस कार में देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही ड्राइवर साइड में आपको सारे विंडोज कंट्रोल देखने को मिलेंगे। ORVM कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, और डोर पैनल में वही सिल्वर ट्रीटमेंट का यूज किया गया है। ट्विटर यहीं पे मिल जाएगा आपको। अब अंदर बैठ के देखते हैं कि कार का इंटीरियर अंदर से कैसा लगता है। सो भाई लोग आ गए अब हम कार के अंदर, और अगर इंटीरियर देखेंगे तो यार इंटीरियर मुझे शुरू से पंच का बहुत अच्छा लगता है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आपको इसमें मिलता है, टिल्ट का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिल जाता तो मजा जाता। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारे म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ साथ सेंटर में हॉर्न की प्लेसिंग की गई है, एंड ये जो ग्रिप आती है भाई वो बहुत सही है। इसके अलावा AC वेंट में आपको ब्लू एक्सेंट देखने को मिलेगा, 7-inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा हमन का, जो कि ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हजार्ड बटन, और इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है। इसके अलावा एक USB पोर्ट एंड 12 वाट का सॉकेट देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिलेगा, आप कुछ सामान कैरी कर सकते हो। इसके अलावा 5-speed गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है ये, एंड यहाँ पे ब्लू एक्सेंट आपको फिर देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा लुक दे रहा है। हैंडब्रेक की प्लेसिंग यहाँ की गई है, कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलता भाई, ये बहुत बड़ा नेगेटिव है पंच में कि आर्म रेस्ट नहीं मिलता किसी भी वेरिएंट में, जो कि मिलना चाहिए। उसके अलावा यार सीट्स का कंफर्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी। सपोर्ट काफ़ी अच्छा है सीट्स में, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है सीट की। इसके अलावा ड्राइवर साइड आपको सिर्फ कार्ड होल्डर दिया गया, वैनिटी नहीं दी गई है, एंड यहाँ पे को पैसेंजर के लिए वैनिटी दी गई है। सेंटर में रीडिंग लैम्प है, बट यार ये येलो में ही दिया गया, इसको LED में दिया जाना चाहिए। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट है, मैनुअल ORVM आपको मिलते हैं इस कार में। इसके अलावा इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो भाई 1.2 लीटर का रेवट्रॉन इंजन आता है, जो इंजन आपको टियागो में देखने को मिलता है।
86 bhp की पावर जनरेट करता है और 115 nm का टॉर्क। तो भाई सिटी और हाईवे दोनों पर्पस के लिए काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। हाईवे में काफ़ी स्टेबल है, आपको वो फील आएगा, आपको वो कॉन्फिडेंट देगी ये कार जब भी आपको इसको हाईवे में ड्राइव करोगे। माइलेज की बात करूँ तो भाई ARI की जो माइलेज जो क्लेम कर रही है कंपनी, वो कर रही है 18 km/L की। बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो सिटी में ये आपको 12 to 15 के बीच में दे देगी, एंड अगर आप इसको हाईवे में ड्राइव करोगे तो 20 अराउंड माइलेज आपको आराम से निकाल के देगी। तो भाई अगर इस सेगमेंट की बात करूं तो इस सेगमेंट में ये कार बेस्ट कार है। अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो पर्टिकुलर इस वेरियंट को तो आप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए फीचर्स, कम्फर्ट एंड सेफ्टी तो आप इस वेरियंट की तरफ जा सकते हो। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, क्रिएटिव ड्यूल टोन विद आयरा पैक। तो भाई इस वेरिएंट को अगर आपको लेना है, ऑप्ट करना है, तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में गाइज इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।